बालाघाट जिले के सचिव रोजगार सहायक आज से 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जिससे पंचायतों में होने वाले ग्रामीण विकास कार्य प्रभावित होंगे। दरअसल सचिव और रोजगार सहायकों का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को बंद कराने का उन पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है और उच्च अधिकारियों के दबाव के कारण वे काफी परेशान है। सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया है कि पूरे प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें बंद कराने के लिए पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों पर मानसिक रूप से दबाव डाला जा रहा है। लगातार प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों पर लगातार अनर्गल दबाव बनाया जा रहा है, अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। इसमें सबसे प्रमुख दबाव मैं बता दूं आपको, सीएम हेल्पलाइन को लेकर। सीएम हेल्पलाइन में यदि कोई शिकायत करता है और यदि वो शिकायत फर्जी है, उसके बावजूद भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हमसे कहा जाता है कि आप संतुष्टिपूर्वक बंद कराइए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इसमें सीधा सीधा वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका है। और मैं तो ये चाहूँगा प्रशासन उसमें निष्पक्ष जांच करे। ये बताइए, आप सीएम हेल्पलाइन के लिए आप लेटर जारी कर रहे हैं। हमारा सचिव हार्ट का पेशेंट था, दूसरे ही दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वो हार्ट का पेशेंट था, तभी दबाव सहन नहीं कर पाया। और हम यहाँ से चेतावनी देते हैं जिला प्रशासन को और जो भी अधिकारी संबंधित हैं, आगे से ऐसी भूमिका ना निभाएं, आगे से ऐसे आदेश ना करें। सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायत फोर्स क्लोज हो रही है, उसे फोर्स क्लोज कराने दें। जिन संख्या में